हेलो वेलकम बैक ऑन माय चैनल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईयर ER डायग्राम के बारे में फुल फॉर्म डेफिनेशन एंड सिंबल्स कौन कौन से क्वेश्चन ER so आता हीन बाई डायग्राम एक्सप्लेन द सिम्बल ऑफ ईयर डायग्राम सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आपके जिस सभी टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे सो नो लेट्स एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम दिस इज द फुलर डायग्राम एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम पिक्टोरिकली एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज टू बी स्टोर्ड इन डेटाबेस। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या करती है पिक्टोरिकली रिलेशनशिप को शो करती है एक्सप्लेन करती है वो रिलेशनशिप जो एंटिटीज के बीच में होती हैं जो के डेटाबेस में स्टोर होती हैं एंटीटीज फंडामेंटली द ईआर डाइग्राम इज अ स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ द डाटाबेस फंडामेंटली जो ईयर डायग्राम होती है वो डेटाबेस का स्ट्रक्चरल डिजाइन है कैसे हमारे डेटाबेस को स्ट्रक्चर किया जाता है उसका डिजाइन है ईयर डायग्राम इट एक्ट्स एज अ फ्रेमवर्क क्रिएटेड विद स्पेशलाइज्ड सिंबल्स फॉर द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटाबेस एंटिटीज ये क्या करती है एक फ्रेमवर्क की तरह वर्क करती है एक्ट करती है जो कि सिंबल्स को मिला के क्रिएट किया जाता है उसका पर्पज़ क्या होता है डिफाइनिंग द रिलेशनशिप रिलेशनशिप को डिफाइन करना वो रिलेशनशिप जो के डेटाबेस एंटिटीज के बीच में होती हैं। आगे हम करेंगे कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं ईअर डायग्राम के ईअर डायग्राम इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन थ्री प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। इसके थ्री प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं एंटिटीज एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स थ्री मेन कंपोनेट्स इन कम्पोन को मिला के ई आर डायग्राम क्रिएट होती है आगे हम करेंगे सिम्बल्स कौन कौन से यूज होते हैं जो सिम्बल्स ई आर मॉडल में यूज होते हैं वही सेम सिंबल ई आर डायग्राम में भी यूज होते हैं रिक्टेंगल ये क्या है रिक्टेंगल सिंबल है टू साइड्स इसकी बिग होती है टू साइड्स स्मॉल ये क्या रिप्रेजेंट करता है एंटिटीज इन ई मॉडल ई डायग्राम में जितनी भी एंटिटीज होती हैं वो रिक्टेंगल सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट होती हैं एलिप्स रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट्स इन ई डायग्राम ईयर डायग्राम में जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे हमारे वो एलिप्स सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे हम डायमंड दिस इज अ डायमंड शेप रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स अमंग एंटिटीज जितनी भी ई ER, डायग्राम uh, में एंटिटीज होगी उनके बीच में अगर कोई रिलेशनशिप है तो वो डायमंड सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट होगा नेक्स्ट इज लाइन सिंपल स्लीपिंग लाइन रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट टू एंटिटीज एंड एंटिटी सेट्स विद अदर रिलेशनशिप टाइप्स अगर किसी भी एंटिटीज में एट्रीब्यूट्स में रिलेशनशिप है एट्रीब्यूट्स को अगर एट्रीब्यूट्स की एंटिटीज के साथ रिलेशनशिप है तो वो लाइन के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे नेक्स्ट है डबल एलिप्स टू सिंबल्स रिप्रेजेंट्स मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट अगर किसी एक एट्रीब्यूट की मल्टीपल वैल्यूज हैं तो उस एट्रीब्यूट को हम डबल एलिप्स में रिप्रेजेंट करेंगे नेक्स्ट है डबल रिक्टेंगल टू रिक्टेंगल्स रिप्रेजेंट्स वीक एंटिटी अगर हमारे ईयर डायग्राम में कोई भी एक एंटिटी वीक है तो उसे हम डबल रिक्टेंगल में रिप्रेजेंट करेंगे सो गाइज आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा ईर डायग्राम अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें एंड अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें